प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये है क्लास दो और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 10, गुल्लू की गुल्लक। आज के पाठ में हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। हम प्रायः जब दुकान पे जाते हैं तो कुछ खरीदने के लिए हमें कुछ रुपए पैसों का आदान प्रदान करना पड़ता है। ये जो रुपए और पैसे हैं, इन्हीं को हम मुद्रा कहते हैं। हर देश की अलग अलग मुद्रा होती है। हमारे भारत देश की मुद्रा का नाम है रुपया। आज हम रुपए और पैसे के बारे में, यानी नोट और सिक्के जो हमारे देश में प्रचलित हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। गुल्लू बहुत ही दिनों से अपने गुल्लक में पैसे जमा कर रहा था और उसमें बहुत सारे नोट, बहुत सारे सिक्के उसने जमा कर रखे थे। एक दिन उसका जो गुल्लक है वो गिरा और वो टूट गया। उसमें से कई सारे नोट और सिक्के निकले, जो उसमें से कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चित्र है नोट और सिक्कों का, इसमें अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। कुछ 10 के हैं, कुछ 5 के हैं, कुछ 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं। इसमें 100 की नोट भी है, 200 की नोट भी है। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, जिसे आपको बताना है कि 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के यहाँ पर कितने हैं। 1 रुपए का कितना सिक्का है? ये अगर हम ऊपर से देखना शुरू करें तो ये एक सिक्का 1 रुपए का हमें मिला। इसके अलावा यहाँ पर 1 रुपए का कोई भी सिक्का नहीं है। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? एक। अच्छा, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के सिक्के अगर हम इनमें ढूंढें तो सिर्फ एक ही सिक्का हमें 2 रुपए का दिखाई दे रहा है। तो 1 रुपए के सिक्के हो गए 1 रुपए। के सिक्के कितने हुए? एक हुआ। और 2 रुपए के कितने सिक्के हुए? वो भी एक ही हुआ। यानी दो सिक्के हैं, एक 1 रुपए का और एक 2 रुपए का। अब देखो आगे जो प्रश्न लिखा है, 5 रुपए और 10 रुपए के कितने सिक्के और नोट हैं? तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं अगर हम इसमें ढूंढना शुरू करें तो एक ये सिक्का है, एक ये सिक्का है, दो सिक्के दिख रहे हैं। नोट कितनी है? ये हरी वाली नोट एक और एक ये दो। यानी 5 रुपए के दो सिक्के हैं और 5 रुपए की दो नोटें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 5 रुपए के कुल 4 हैं, यानी दो सिक्के और दो नोट। 10 रुपए के सिक्के और नोट कितने हैं? ये एक 10 रुपए का सिक्का है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। 10 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 6। क्या कोई नोट भी है? इसको देख के बताइए। एक 10 रुपए की नोट भी है, यानी आपके पास 10 रुपए के 6 सिक्के और एक नोट है। 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के क्या नोट हैं इसमें? 20 रुपए का कोई नोट आपको दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पर 20 रुपए का कोई भी नोट नहीं है। 50 रुपए के कोई नोट दिख रहे हैं आपके पास? एक ये और एक ये। 50 रुपए के कितने नोट हो गए? 2। 100 रुपए के कितने नोट हो गए? 100 रुपए का यही एक बस नोट है। तो 100 रुपए के नोट हो गए 1। तो ये आपने गुल्लू के गुल्लक में 1, 2 रुपए के सिक्के पहचाने, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 100 रुपए, 50 रुपए को आपने यहाँ पर देखा। जो यहाँ पर रुपए के रूप में लिखा हुआ है भाषा में, इसका एक प्रतीक चिन्ह होता है, जिसका हम प्रयोग उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए करते हैं। उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये हमारी भारतीय मुद्रा रुपए का प्रतीक चिन्ह है। यानी कि अगर यहाँ लिखा हुआ है रुपए 5, तो इसे क्या पढ़ेंगे? रुपए 5 हम पढ़ेंगे। आगे जो स्लाइड्स हैं उसमें हम इस चिन्ह का यथास्थान प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर भी कुछ नोट हैं। आप इनमें से आपने कुछ नोटों को देखा भी होगा, प्रयोग करते भी अपने घर में बड़े लोगों को देखा होगा। तो आपको पहचानना है कि कितने सिक्के और नोट हैं।
लेकिन गिन के नहीं पहचानना है, आपको पता लगाना है कि जैसे उदाहरण के लिए देखो, 10 रुपए में 2-2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो इसे करने के 2-3 तरीके हैं, हमने पिछले पाठों में जोड़ना भी, घटाना, गुणा और भाग करना सीखा है। तो एक तरीका ये है कि 2 को हम जोड़ते चले, जितनी बार 2 को जोड़ने पर 10 आ जाएगा, हमें उतने ही सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। तो 2 को अगर हमने एक बार जोड़ लिया, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, यानी 2 को जब 5 बार जोड़ा तो 10 बने। यानी 2 के 5 सिक्कों का प्रयोग करके हम 10 का रुपया जो है वो बना सकते हैं, या उसके बराबर रुपया कर सकते हैं। इसका करने का एक और तरीका है, घटाने का तरीका, यानी कि हम 10 रुपए में से 2 रुपए घटाते चले जाएं, जैसे हमने बराबर बांटो वाले पाठ में किया था। तो जब आप उसको घटाते चले जाएंगे, तो जितनी बार घटाने पर 0 आ जाए, उतने ही सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। जैसे 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 8, 8 में से 2 घटाए तो 6, फिर 6 में से 2 घटाए तो 4, फिर 4 में से 2, 2, और आखिर में क्या आ गया, 0। तो कितनी बार घटाना पड़ा, 5 बार घटाना पड़ा। तो दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हैं, आप 2 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं तब तक जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 2 पंजे 10, तो 5 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। तो इसे करने के अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का प्रयोग करके, या यथासंभव आप कोशिश करें कि हर तरीके का प्रयोग करके बारी बारी इसे हल किया जाए, ताकि आप जितनी अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे, उतना ही अधिक आपकी अवधारणा इन विधियों में जो है वो स्पष्ट होती चली जाएगी। 20 रुपए में 5-5 रुपए के कितने नोट हैं, कैसे पता चलेगा? 5-5 रुपए के नोट के बारे में अगर हमें पता करना है, तो जैसे पहले हमने किया था कि हम 5 को जोड़ना शुरू करें, 5 को 5 से जोड़ दिया आपने, कितना हो गया, 10, फिर जोड़ दिया कितना हो गया, 15, फिर जोड़ दिया कितना हो गया, 20। कितनी बार जोड़ना पड़ा, 1, 2, 3, 4 बार जोड़ना पड़ा, यानी कि इतने नोटों की जरूरत होगी, हमें 4 नोटों की जरूरत पड़ेगी, या 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, तब 20 रुपए के बराबर के हम रुपए बना सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या था कि हम 20 में से 5 घटाते चले जाते हैं, और तब तक घटाते जब तक कि 0 नहीं आ जाता। इससे भी हमें पता चलता कि हमें कितने नोटों की जरूरत पड़ेगी। तो 5 सिक्के चाहिए 2 के, 4 नोट चाहिए 5 के। उसी उदाहरण पर आपको ये सारे प्रश्न भी हल करने हैं। अगला प्रश्न क्या है, 50 रुपए में 10-10 रुपए के कितने नोट लगेंगे, यानी 10 रुपए के कितने नोट रखें कि वो 50 के बराबर हो जाए। तो क्या करना है, हमें 10 को जोड़ते रहना है। 10 को एक बार जोड़ा 10 में तो 20 हो गया, फिर से जोड़ा तो 30 हो गया, फिर से जोड़ा तो 40 हो गया, फिर आखिर में 50 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, कितनी बार जोड़ा, 5 बार जोड़ा, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। यानी कि 10 के 5 नोटों की जरूरत पड़ेगी 50 का नोट बनाने के लिए। आगे देखिए, 100 रुपए में 20-20 रुपए के कितने नोट होंगे, इसे पूरा कर ले पहले। कितने नोटों की आवश्यकता पड़ी हमें, 5। 100 रुपए में 20-20 रुपए के कितने नोटों की आवश्यकता होगी, क्या करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे। 20 में 20 जोड़ दिया, क्या आ गया, 40। फिर 20 जोड़ दिया, क्या आ गया, 60। फिर क्या हो गया, 80। फिर क्या हो गया, 100। यानी कितने बार जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, 5 बार। 20 के नोट 5 बार अगर जोड़े जाएं तो कितना बन जाएगा, 100। तो यहां क्या लिख देंगे, 5। 100 रुपए में 20 के 5 नोट हैं। अब आगे देखिए, 500 रुपए में 100 रुपए के कितने नोट हैं, वैसे ही कर सकते हैं। 100-100 रुपए को जोड़ते चले जाएं, 100 में 100 जोड़ा, कितने हो गए, 200। फिर जोड़ा 300, फिर 100 जोड़ा 400,
फिर जोड़ा 500, 500 आ गए। 500 में 100 रुपए के कितने नोट हुए? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो आपने यहां लिख दिया 5 नोट हुए। ठीक है, अब आखिर में क्या है, 2000 रुपए में 5 5 100 रुपए के कितने नोट हैं? तो जैसे मैंने ऊपर के जितने अभ्यास किए हैं उसी तरह अगर आप 5 5 100 को जोड़ते चले जाएं, तो 500 में 500 जोड़ेंगे तो 1000, 1000 में 500 जोड़ेंगे तो 1500, 1500 में 500 जोड़ेंगे तो 2000। कितने नोटों की आवश्यकता हुई? 4 नोटों की आवश्यकता हुई। इस प्रकार से हमने यहाँ ये सीखा कि कैसे एक बड़ी मुद्रा का निर्माण छोटी मुद्रा के प्रयोग से किया जा सकता है, या एक बड़ी मुद्रा को छोटी छोटी मुद्राओं में कैसे बांटा जा सकता है। अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है 100, 500 या 2000 की नोट का की मुद्रा बनाने का। आप और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन से ये मुद्राएं बना सकते हैं। यहां पर कुछ सिक्के और नोट दिए हुए हैं, आपको उन्हें देखकर फिर पहचानना है, पहचान करके उनका योग करके ये पता लगाना है कि कुल कितने रुपए बनते हैं। एक सिक्का है 10 का, एक है 5 का, कितने नोट बनी, कितने रुपए बने? 10 और 5 15। अब आप देखिए, हमने यहाँ पर मुद्रा के प्रतीक चिन्ह का, रुपए का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। हर जगह जहां पर भी इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब कि हम रुपए के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई साधारण अंक नहीं है, ये 20 रुपए का प्रतिनिधित्व करने वाला अंक है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर 2 नोटें बनी हुई हैं, 5 रुपए की, 20 रुपए की। 20 और 5 जोड़ेंगे कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 4 हैं, 2 नोटें हैं और 2 सिक्के हैं, तो 20 और 50 कितना हो गया? 70। 70 और 10 कितना हो गया? 80। 80 और 2 कितना हो गया? 82। तो नोट पहचान कर जो मुद्रा है उसकी हम कुल वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। 10 10 20 21, 21 और 2 कितना हो गया? 23। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया कि ये कुल मुद्रा मिलके कितने रुपए बनाते हैं। ऐसे ही आप कुछ जो है फेक करेंसीज बना करके, या अपने कागज पे नोटों के चित्र बना करके जो है आप इन कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ ऐसे खेल खेल सकते हैं। यहाँ कुछ वस्तुएं दी हैं, ठीक है, खिलौने हैं, कार है, और ये टोपी है, गुड़िया है, और इन वस्तुओं के दाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, सवाल के अनुसार उनके दाम को जोड़ के पता लगाना है कि अगर हमें ये चीजें खरीदनी हो तो हमें कितने रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, अगर हमें कार और टोपी का कुल दाम निकालना है, कार कितने रुपए की है? 55 रुपए की। टोपी कितने रुपए की है? 20। 55 और 20 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 55 और 20 जोड़ दिया, कितना आ गया? 75 आ गया। आप इसका जोड़ स्तंभ विधि से भी कर सकते हैं, यानी ऊपर और नीचे लिखकर भी आसानी से जोड़ सकते हैं। और किताब और पेंसिल का दाम निकालना है, किताब कितने रुपए की है? 50। पेंसिल कितने रुपए की है? 2 रुपए की। क्या किया? 50 में 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 52 रुपए हो गए। गुड़िया और बॉल का कुल दाम निकालना है, गुड़िया है 45 रुपए की, बॉल है 15 रुपए की। तो ये कितना हो गया? 45 और 15 जोड़ दिया तो आ गया 60 रुपए। बॉल, पेंसिल और टोपी का दाम निकालना है, बॉल हो गई 15 रुपए की, पेंसिल हो गई 2 रुपए की, और टोपी हो गई 20 रुपए की। 15 और 2 17, 17 और 20 37। आप ये योगफल कंकड़ों का योगफल करके, जैसे हम लोग पहले की कक्षा में सीख चुके हैं, या फिर हमने पिछले पाठों में भी उसका दोहराव किया था कि वस्तुओं का प्रयोग करके हम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, उस विधि से भी कर सकते हैं। अब हम जोड़ने के कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि सोनल ने 32 रुपए में एक कॉपी खरीदी
और 10 रुपए में 4 पेंसिल खरीदी। उसने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए, तो कुल कितना हुआ? आपने जोड़ो वाले पाठ में पढ़ा है कि ऐसे प्रश्नों में जिनकी शब्दावली में कुल कितना हुआ होता है, क्या करना होता है, उन्हें जोड़ना होता है। क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुओं का दाम दिया हुआ है, उन्हें नोट करके उन्हें हम जोड़ देंगे, उनका योगफल कर लेंगे। कॉपी का दाम है 32 रुपए, पेंसिल का दाम हुआ कुल 10 रुपए, तो कुल दाम के लिए 32 और 10 को जोड़ दिया। स्तंभ विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। 32 में 10 जोड़ा तो हो गया 42। अब ये 42 रुपए देने के लिए सोनल ने 10-10 के 4 नोट दिए, यानी 40, और 2 रुपए का एक सिक्का दे दिया। अगर आपको 42 रुपए देने होते तो आप किन नोटों का प्रयोग करके उन्हें देते, या 42 रुपए को किन किन नोटों के संयोग से दिखाया जा सकता है, हम इसका भी अभ्यास करेंगे कि 42 रुपए देने के अन्य तरीके क्या हो सकते हैं। 10-10 रुपए के 4 नोट और 2 रुपए का एक सिक्का, जैसा सोनल ने किया था अभी, उसने 10-10 रुपए के 4 नोट दिए थे और 2 रुपए का एक सिक्का दिया। एक तरीका तो ये है। अगर हम 10 के बजाय 20 के नोटों का प्रयोग करें, तो 40 रुपए के लिए हमें 20 के कितने नोटों की जरूरत पड़ेगी? 2 नोटों की आवश्यकता पड़ेगी, 20 और 20 40। और 2 रुपए देने के लिए आप 1-1 रुपए के 2 सिक्के दे सकते हैं, या 2 रुपए का 1 सिक्का दे सकते हैं। जोड़ने पर आ गया 42। अगर हमें 20 और 10 दोनों ही नोटों का प्रयोग करना पड़ता तो कैसे देते? 20 का 1 नोट दिया, 10 के 2 नोट दिए, 20, 30, 40, और 2 रुपए का 1 सिक्का हो गया। तो ये क्या हो गया? कुल 42 रुपए देने का एक तरीका हो गया 20 और 10 के नोटों का प्रयोग करके। अगर हम 5 रुपए का नोट देते, केवल 5 रुपए का, तो क्या कर सकते थे? 5 रुपए को तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि 40 ना आ जाए। कितनी बार लिया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 5 रुपए के नोट दिए और 2 रुपए का 1 सिक्का दिया, तो ये हो गए 42 रुपए। तो ये एक तरीका है। अब हम 10, 20 और 5 रुपए का संयोग करके भी 42 रुपए दे सकते हैं। तो ये एक ही मुद्रा को देने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम 2 रुपए के सिक्के का प्रयोग नहीं करते तो हम हर जगह पे 1-1 रुपए के 2 सिक्कों का प्रयोग भी कर सकते थे। अब यहाँ पर एक ट्रेन बनी है जिसका प्रयोग मुद्राओं को लेकर के, नोटों को लेकर के बनाया गया है, उसका चित्र, और हमें पता लगाना है कि इसे बनाने में कुल कितनी मुद्रा का प्रयोग हुआ है। तो देखो, 10-10 रुपए के कितने नोट हैं? 1, 2, 3, 4, कितने नोट हैं? 4। तो 10, 20, 30, 40 कितना हो गया? 40। 10 रुपए के नोटों का कुल संयोग हो गया 40। 5 रुपए का क्या है? 5 रुपए का नोट भी है एक, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सिक्के भी हैं। तो एक नोट 8 सिक्के मिलके कितने हो गए? 9। 5 रुपए के अगर 9 नोट और सिक्के हैं तो कितना हो गया वो? 45। तो आपने यहाँ 45 लिख दिया। 1 रुपए के सिक्कों का भी प्रयोग किया गया है। 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो 4 यहाँ लिख दिया हमने, और इन तीनों को स्तंभ विधि से जोड़ दिया, तो कुल जो है 89, यानी कि 89 रुपए आ गए यहाँ पर। आप चाहते तो इन्हें जो है इकाई, दहाई या तीली बंडल के माध्यम से भी जोड़ सकते थे। ठीक है, आगे देखिए, एक और प्रश्न है, जोड़ का ही प्रश्न है, जिसमें कमला जो जूते मोजे खरीद के लाई है उसके कुल दामों का पता लगाना है। प्रश्न क्या है? कमला बाजार गई, उसने 85 रुपए के जूते और 15 रुपए के मोजे खरीदे, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? कुल कितना खर्च हुआ ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे? जो भी जूते या मोजों का दाम है उन्हें हम जोड़ लेंगे। जूतों का दाम है 85,
मोजो का दाम है 15, कुल कितना हो गया? 100 हो गया। तो कुल कितने रुपए खर्च किए कमला ने? उसने 100 रुपए खर्च किए। इस तरह के कुछ और अभ्यास प्रश्न आपकी पुस्तक में भी हैं, और कुछ प्रश्नों का निर्माण आप स्वयं करके इस मुद्रा के सवाल का या प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। अब 50 रुपए की खरीदारी है। टीनू और मोनू के पास 50-50 रुपए हैं। वो दुकान पर गए, उन्होंने देखा वहां पे कुछ वस्तुएं हैं और उनके दाम लिखे हुए हैं। अब टीनू और मीनू को सोचना है कि वो 50 रुपए में क्या क्या खरीद सकते हैं। चलो पहले देखें कि दुकान में जो वस्तुएं हैं वो कितने रुपए की हैं। दुकान में 10 रुपए की एक गेंद मिलती है, बांसुरी का दाम भी 10 रुपए है, 5 रुपए का एक लट्टू है और 25 रुपए का बंदर वाला एक खिलौना है, 2 रुपए के एक गुब्बारे मिलते हैं और 1 रुपए में 2 टॉफियां। तो अभी इतनी सारी वस्तुओं में से टीनू और मीनू को सोचना है कि उन्हें 50 रुपए किस प्रकार से खर्च करने हैं। तो टीनू ने जो खरीदारी की वो इस प्रकार से है, उसने एक बंदर खरीदा, बंदर कितने का है? 25 रुपए का। एक लट्टू खरीदा, लट्टू कितने का है? 5 रुपए का। 2 गेंदे खरीदी हैं, यानी 10 और 10, कितने रुपए की गेंद खरीदी? 20 रुपए की। तो यहाँ उन्होंने लिख दिया 25 रुपए का बंदर, एक लट्टू और 20 रुपए की गेंद, कुल कितना हो गया? 50 रुपए। तो इन तीनों को खरीद के टीनू ने अपने 50 रुपए की खरीदारी पूरी की। मीनू ने इससे अलग कुछ सामान खरीदा, देखो क्या खरीदा, 5 गुब्बारे खरीदे। अब देखिए एक गुब्बारे का मूल्य है 2 रुपए, तो 5 गुब्बारे का कितना होगा? 2 को 5 बार जोड़ेंगे या 2 या 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 10 रुपए। 10 टॉफियां खरीदी, 2 टॉफियां हैं 1 रुपए की, तो 10 टॉफियां हो गई 5 रुपए की, 5 रुपए की टॉफी हो गई। एक बांसुरी खरीदी, कितने की बांसुरी है? 10 रुपए की। और एक उसने भी बंदर खरीदा 25 रुपए का, तो ये उसने 50 रुपए की कुल खरीदारी की। इसके अलावा भी क्या 50 रुपए में इसमें और किसी कॉम्बिनेशन में खरीदारी की जा सकती है? आप इन चीजों के दाम नोट कर लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर सोच के। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप।